नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। कोटा जिले के खातौली कस्बे में भाजपा देहात खातौली मंडल की कार्यशाला का आयोजन पंचमुखी बालाजी मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खातौली मंडल में लगाए गए प्रवासी गोविंद पाईवाल रहे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मंगल नागर एवं विशिष्ट अतिथि विजय शंकर नागर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत श्याम प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीन दयाल उपाध्याय की तस्वीर पर तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर की गई। इसके उपरांत प्रवासी अतिथि गोविंद पाईवाल का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। पाईवाल ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य सभी स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं के दायित्व की डिजिटल आईडी बनाना, शक्ति केंद्रों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करना, आगामी पंचायत राज चुनाव की तैयारी में लगना। पूर्व प्रधान विजय शंकर नागर एवं मंडल अध्यक्ष मंगल नागर ने भी संबोधित किया कि इस अवसर पर मंडल महामंत्री पुष्पचंद जाटवा, जयवर्धन सिंह हांडा, उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा, नागाराम गुर्जर, लोकेश मीणा, भेरूलाल मीणा, लोकेंद्र सिंह हांडा, नंद किशोर केवट, प्रेम शंकर केवट, नरेंद्र केवट, विजय सुमन, अख्तर भाई, बंधु भाई आदि कार्यकर्ताओं मौजूद थे। मंच संचालन मंडल महामंत्री पुष्पचंद जाटवा ने किया। R9 भारत के लिए मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। कोटा जिले के पुलिस थाना खातौली में आज पुलिस अधिकारी एवं पुलिस जवानों को दुर्गा भानी की बहनों ने बांधी राखी और पुलिस जवानों से एवं पुलिस अधिकारी से मांगा नारी शक्ति रक्षा वचन। खातौली थाना पुलिस अधिकारी SI अमर सिंह की तरफ से किया गया वादा कि पहले भी हमारी माँ बहन बेटियों की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर थे और आगे भी सदैव तत्पर रहेंगे। दुर्गा वाहनी की कार्यकर्ता ने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पुलिस भाइयों की लंबी उम्र रहे और हमारे पुलिस भाई सदा ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहें, ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहें, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। दुर्गा वाहिनी की तरफ से भाइयों को जवानों को रक्षाबंधन का एक त्यौहार के चलते हुए तो आप यहाँ रक्षाबंधन में जो ये साथ में राखी बांधने आई तो ये आप किसकी तरफ से आई है? बहुत 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 रक्षा सूत्र बांध रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारी कोरोना काफ़ी सहायता की है। कोरोना काल के चलते भी उन्होंने हमारी काफ़ी सहायता की है। इसके बदले में हम इनसे कुछ नहीं सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि ये हमारी आगे भी इसी तरह रक्षा करते रहें और सबकी इसी तरह मदद करते रहें और इसी के साथ हम इनको रक्षा सूत्र बांधते हुए इनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। जय श्री राम। शेर सोनी दुर्गा वाहिनी कोटा जिला महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख समस्त दुर्गा वाहिनी बहनों की ओर से सबको जय श्री राम। तो इन्होंने बताया सर, जैसे ये हमारी बहनें कह रही कि क्या नाम से हमने रक्षा सूत्र बांधा है भाइयों को, तो ये इनकी रक्षा के लिए आपका क्या कहना है? नहीं, जैसे आपको रक्षा सूत्र बांधा है तो आगे के लिए इनकी रक्षा के लिए आपका क्या कहना है? तो इन्होंने सर ने बताया कि दुर्गा वाहिनी की और समस्त माता बहनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है, तैयार है और आगे भी मतलब तैयार रहेगी। जैसे कोरोना काल में भी हमारे पुलिस जवानों ने भी पब्लिक की बहुत ज़्यादा मदद की। जैसे अभी 3 अगस्त को जो हमारे क्षेत्र में बाढ़ आया था उसमें हमारे प्रशासन ने और पुलिस जवानों ने बखूबी अपनी ड्यूटी निभाई। दिन रात पानी के अंदर डटे हुए रहे और लोगों की जान बचाई है। रेस्क्यू में भी काफ़ी मदद की प्रशासन ने हमारी। तो हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा अनहोनी का कार्य इनके सामने नहीं हो पाया है, जबकि प्रशासन के ऊपर काफ़ी लोगों ने गलत तरीके से कमेंट किए हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है क्योंकि प्रशासन ने जनता की मदद कोरोना में भी दो साल से कोरोना में भी काफ़ी मदद की है और यहाँ पे जो बाढ़ आई थी अभी उस बाढ़ में भी प्रशासन ने जनता की खूब सारी मदद की है। एक भी जान माल का खतरा कहीं से भी देखने को नहीं मिला। R9 के साथ मुकेश गोस्वामी। R9 भारत के लिए मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट।
राजस्थान के कोटा जिले के खातौली क्षेत्र के मदनपुरा गांव में 3 अगस्त 2021 को पार्वती नदी में अत्यधिक जल स्तर बढ़ जाने से मदनपुरा गांव में बाढ़ आ गई थी, जिससे मदनपुरा में काफी नुकसान हुआ था। वहां के लोगों के पास खाने पीने की सामग्री के अलावा महिलाओं के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे थे। तो खातौली कस्बे के सुवालका परिवार के पूर्व भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार सुवालका परिवार द्वारा बाढ़ पीड़ित महिलाओं के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए मदनपुरा गांव में पहुंचकर वहां बाढ़ पीड़ित महिलाओं को तकरीबन 200 साड़ियां, 100 ओढ़नियां निःशुल्क वितरित की गई। आपका नाम? अशोक कुमार सुवालका। तो सर, आप यहाँ किस उपलक्ष में ये साड़ियां वितरित कर रहे हैं? अभी कुछ समय पहले यहाँ पर पार्वती नदी का जो चढ़ाव इतना ज्यादा हुआ था, जिससे मदनपुरा गांव के अंदर वाकई में बहुत ज्यादा क्षति हुई है। जो गरीब लोग थे उनके मकान बह गए, धस गए। आज उनकी ये स्थिति है कि न तो उनके पास खाने के लिए अन्न है, न पहनने के लिए कपड़े हैं। तो मेरी तरफ से करीबन 200-300 गाँव की जो महिलाएं हैं उनके लिए मैंने साड़ी और लुगड़े वितरित किए। तो ये क्या नाम से पीड़ित बाढ़ पीड़ित परिवारों को ही मतलब आपने ये? बिल्कुल बिल्कुल, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं और जो वाकई में उनको आवश्यकता है इस चीज के लिए मैं यहाँ पर उनको साड़ी। तो ये किसकी संस्था की तरफ से? कोई संस्था नहीं, मैं खुद ही निजी, मेरी पूरी फैमिली आई है, मेरे बच्चों, मेरी वाइफ वगैरह और ये सब। मैं कोई किसी संस्था की तरफ से नहीं आया, बस मेरी इच्छा हुई कि वाकई में ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। कितनी साड़ियाँ वितरित की? 300 साड़ियाँ। आपको साड़ी आई? नहीं। या साड़ी आई तो कितनी महिलाओं के लिए साड़ी अभी वितरित हुई? 300 महिला माता बहनों के लिए उन्होंने साड़ियाँ वितरित की है। जो बाढ़ पीड़ित परिवार है मदनपुरा गांव के खातौली ग्राम पंचायत का क्षेत्र में ये गांव पड़ता है, जो करीब 15 दिन पहले बाढ़ 3 अगस्त को जो बाढ़ आई थी उसमें यहाँ के लोगों के मकान और कपड़े, खाने के पीने के जो भी सामान सारे बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनको इन्होंने आर्थिक मदद के लिए ये साड़ियों का वितरण किया। जो अशोक सुवालका जी के परिवार से और पूर्व युवा मोर्चा मंडल भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष खातौली के तहत ये इन्होंने साड़ियाँ वितरित किए। तो ये लोगों को बीच में खुशी की बात है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर साड़ियाँ अपने अपने घर ले। R9 के साथ मुकेश गोस्वामी। R9 भारत के लिए मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मैं चिकित्सकों की समस्याओं के प्रति हमेशा गंभीर हूं एवं सभी मांगों के ऊपर कार्य जारी है। कोटा में प्रवेश के समय कोटा आगमन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तनवर द्वारा 51 किलो के हार द्वारा पुष्पाहार द्वारा स्वागत किया गया। इसके उपरांत सेवारत चिकित्सक संघ ने प्रदेश महासचिव डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी के नेतृत्व में 21 किलो गुलाब के पुष्पहार से स्वागत किया। इस दौरान कोटा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अमित गोयल, कोटा जिला महासचिव डॉक्टर राजेश सामर, डॉक्टर अभिमन्यु शर्मा, डॉक्टर सौरभ शर्मा, डॉक्टर रमेश पारवाल RCHO इस दौरान माननीय मंत्री जी ने संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। R9 भारत के लिए भवानी शंकर राठौर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करेंगे।